नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर आपसे एक मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं पहले से ही 5-7 रेसिपी तैयार कर रखे थे मकर संक्रांति से पहले डालने के लिए, लेकिन किसी कारणवश मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो आज मैं कर रही हूँ। थोड़ा लेट ही सही, तो चलिए बनाते हैं। मैं मुरमुरा के लड्डू शेयर करने जा रही हूँ अभी। तो इसके लिए मैंने 150 ग्राम मुरमुरा लिए हैं। इसे लाई, मुरई, भुजा, पफ राइस नाम से जानते हैं। और ये 250 ग्राम गुड़ लिए हैं, इसे तोड़ लिए हैं। और इसमें 1 चम्मच घी यूज करेंगे। घी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो इसके बिना भी बना सकते हैं। लेकिन घी डालने से लड्डू पर शाइन भी आएगा और टेस्टी भी बनेगा लड्डू। और लड्डू बनाने से पहले हम मुरमुरा को इस तरह से चेक करेंगे अपने उंगली से दबाते हुए। और इस तरह से यदि पीस जाए मुरमुरा तो हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो 2 मिनट लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे मुरमुरा को। तो अब घी डाल लेते हैं पैन में और घी को मेल्ट होने देते हैं। अब इसमें 3 चम्मच पानी डालेंगे और गुड़ भी डाल लेते हैं और इसे इस तरह से चलाते हुए मेल्ट होने देंगे पहले, फिर 2 मिनट पका लेंगे। तो देखिए मेल्ट हो चुका है और 2 मिनट मैंने पका भी लिए हैं। अब चेक करते हैं इसे, तो अभी चाशनी तैयार नहीं हुई है, तो हम 1-2 मिनट और चलाते हुए इस तरह से पका लेंगे। बिल्कुल हाथ चलाना बंद नहीं करेंगे, नहीं तो चाशनी जल जाएगी और लड्डू कड़वा लगेगा खाने में। तो इस तरह से चलाते हुए चाशनी को पकाएंगे। तो देखिए अब चाशनी करीब तैयार हो चुकी है, देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि ये चाशनी बहुत हल्की हो चुकी है। तो फिर चेक कर लेते हैं हम, देखिए। तो अब ये चाशनी तैयार हो चुकी है, गैस ऑफ कर देते हैं और तुरंत मुरमुरा इसमें डाल लेंगे और इस तरह से चलाएंगे इसे। और ये पैन थोड़ा छोटा है तो हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं, यदि आप बड़े में कर रहे हैं तो इसी में मिला लेंगे। और इस तरह से इसे निकाल लेते हैं सारे चाशनी और मुरमुरे को, सारे अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। अब इसे फटाफट से इसे चलाएंगे, देखिए इस तरह से जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से, गुड़ और मुरमुरे को एक आपस में मिला लेंगे। तो देखिए अब मिल चुका है ये। अब इसे गर्म गर्म में ही लड्डू बांधेंगे। तो लड्डू अब बांधने से पहले हाथ में पानी लगा लेंगे। तो देखिए दोनों हथेलियों पर पानी लगा लिए हैं और इस तरह से जितने बड़े लड्डू बनाने हैं उतना ही मिश्रण लेकर इस तरह से दबाते हुए लड्डू बनाएंगे। देखिए इस तरह से दोनों हथेलियों से प्रेस करते हुए इसे बनाएंगे। तो सारे लड्डू इसी तरह से बना लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं, बहुत ही अच्छा लड्डू बना है। तो लीजिए हमारा मुरमुरा लड्डू बनके तैयार है, बहुत ही अच्छा लड्डू बना है। और बनाना कितना आसान है ये तो आप देखा ही, बस थोड़ी सी बातों को ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे। जब आप मुरमुरे और गुड़ ले रहे हैं तो ठीक मात्रा में लीजिए, जैसे मैंने बताए हैं। यदि नाप से ले रहे हैं तो 4 भाग मुरमुरा लीजिए और 1 भाग गुड़ लीजिए, तो बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे। तो आप ये लड्डू बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।